हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, मतलब टॉप नेविगेशन बार। अगर आप जो है लेफ्ट लेफ्ट मतलब साइड बार देखना चाहते हैं, मतलब साइड में जो होता है नेविगेशन बार, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने जो पहले ही वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। आप जाके डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पर आज की वीडियो पे फोकस करते हैं। तो हम लोग आज कुछ इस तरीके का नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे यूज़र था, ठीक है। इस पर जैसे मैं होवर करूँ, देखिए यहाँ पे मुझे एक नया जो है वो खोल के दे दिया, एक नया विंडो। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से सेटिंग पर क्लिक कर तो सेम मैं किसी चीज़ पर जा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना दो बातें बोलना चाहूँगा। पहला बात ये कि आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं देना, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और दूसरा बात ये कि अगर आपको खुद का कोई कस्टम वेबसाइट बनवाना है ना, तो आप हमको डायरेक्ट आकर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इस पेज पर कोडिंग करने वाले हैं। तो मैंने जो यहाँ पर बेसिक सा जो कोड होता है हमेशा की तरह लिख लिया है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सीधा मेन कंटेंट से चालू करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक नैव बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पे सिंपली नैव को करते हैं एक्सेस। उसका एक विड्थ रखते हैं 100% का, और इसका एक हाइट रखते हैं 70 पिक्सल का, और इसको हम लोग रखेंगे बैकग्राउंड वाइट, और इसको करेंगे जेड इंडेक्स 1। जेड इंडेक्स 1 करने से क्या होगा कि हमेशा जो है ना ये ऊपर में आएगा। सपोज करिए इसके मतलब अगर इसके ऊपर भी कोई अगर आइटम आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो नैव बार है ना हम लोग का, वो हमेशा ऊपर में ही रहेगा। ऊपर मतलब कि वो ओवरलैपिंग वाला ऊपर में। और यहाँ पे हम लोग देंगे पोजीशन स्टिकी, और पोजीशन स्टिकी देने के साथ साथ हम लोग को देना होगा टॉप 0, यानी कि हर टाइम जो है ये टॉप में एकदम फिक्स्ड रहे। और यहाँ पे हम लोग इतना कर दिया। हम लोग को सिंपली बनाना है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँगा आपको, तो यहाँ पे जो है मुझे पेज को फिर से खोलना होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ 116 इंडेक्स। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आइकॉन दे रखा है, और यहाँ पे जो है सर्च बार, ठीक है। आप यहाँ पे आइकॉन का साथ जो है नेम भी दे सकते हैं, मतलब जो होता है ना टेक्स्ट में नेम, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो टेक विद ओमकार करके अपना नाम दे सकता हूँ, तो मैं वो सब नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो दे सकते हैं। और मैं काम करता हूँ ये यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट मैं एक क्लास बनाऊँगा फ्लेक्स नाम का, और सिंपली इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है ना फ्लेक्स बॉक्स को अपने वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और बार बार उस इस कोड को मतलब सीएसएस का प्रॉपर्टी बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं एक बार में इसे फिक्स्ड कर दूं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बनाते हैं। ये होगा वर्टिकल सेंटर, यहाँ होगा ये एक काम करते हैं, ये होगा वर्टिकली सेंटर है हम लोग पास। ये होगा hc.hc करके, और यहाँ पे सिंपली मैं रखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ खास आउटपुट मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पर नैव बार में एक और नैव बनाएंगे, नैव, और इसका क्लास रखते हैं नैव, और सिंपली करेंगे इसको फिर से एक्सेस डॉट नैव को, और इसको हम लोग रखेंगे विड्थ 100%, और यहाँ हम लोग इसका हाइट रखेंगे सेम टू सेम जो है 70 पिक्सल, जो कि हमेशा पहले की तरह है। अब हम लोग यहाँ एक और प्रॉपर्टी देंगे, वो होगा मैक्स विड्थ, और यहाँ 1280 पिक्सल, और यहाँ पे इसका मार्जिन होगा ऑटो। अब हम लोग इसको करना है फ्लेक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे हम लोग फ्लेक्स, जो कि मैंने पहले से ही डिफाइन करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर जाना है, इसके अंदर हम लोग को दो डिफ बनाना है। पहला डिफ होगा वो लेफ्ट चीज़ के लिए, और यहाँ पे क्लास रखते हैं लेफ्ट, और यहाँ एक डिफ होगा राइट। और यहाँ मैं काम करता हूँ डॉट फ्लेक्स, यहाँ पे hc हटा के यहाँ पे डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे hc को ऐड कर देते हैं। अब हम लोग को इसके अंदर क्या करना है, इस जो हम लोग के पास जो लेफ्ट है हम लोग को उसको भी फ्लेक्स करना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे मैं पहले तो एक इमेज ऐड करूँगा। इमेज ऐड करने के लिए सिंपली डालेंगे img इमेज, और यहाँ पे सोर्स होगा मेरा logo.svg, और यहाँ पे इसका क्लास होगा लोगो। यहाँ इसका क्लास कुछ इस तरीके से लोगो डाल दिए। अब लोगो को थोड़ा एक्सेस करके इसका हाइट विड्थ दे देते हैं, लोगो विड्थ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल का। अगर रिफ्रेश करो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग का जो ये है नेविगेशन बार है, इसमें एक पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देने के लिए मैं नैव में जाता हूँ, दूसरे वाले नैव में, उसके अंदर सिंपली जाएंगे पैडिंग टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का। और अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्च बार बनाना है, ठीक है। सर्च बार बनाने के लिए सिंपली मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे हम लोग, और यहाँ डिव, और डिव के अंदर सिंपली एक क्लास बनाएंगे। पहले तो फ्लेक्स कर देते हैं इसको,
और यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें रखना है, एक तो हम लोग का आइकॉन, तो आइकॉन के लिए मैं इस पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ जब मैं आइकॉन ले लेता हूँ, कहाँ गया मेरा आइकॉन, ये रहा सर्च वाला आइकॉन, सिंपली करते इसको यहाँ पेस्ट और यहाँ पे एक इनपुट बनाएंगे हम लोग। इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट और यहाँ पे मैं क्लास रखूँगा इसका इन नाम से और एक प्लेस होल्डर और सिंपली डॉट इन को एक्सेस करके इसमें थोड़ा CSS डाल देते हैं। डॉट इन इसका विड्थ होगा 100% और उसका हाइट मैं नहीं दे रहा, इसका एक काम करते हैं बॉर्डर देते हैं नन, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग का जो ये इनपुट है, ठीक है, उसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। और यहाँ एक काम करते हैं हम लोग का जो ये मेन डिव है, ठीक है, सर्च वाला जो मेन डिव है मतलब पेरेंट का डिव है, उसको एक काम करते हैं इसमें एक क्लास ऐड करते हैं सर्च नाम का और सिंपली सर्च को एक्सेस करना हम लोग को search सर्च और इसका एक विड्थ रखेंगे 200 पिक्सल और इसका एक पैडिंग रखेंगे 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस border radius 10 pixel और इसका एक बैकग्राउंड रखेंगे F1 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 करके। एक काम करते हैं इसका बैकग्राउंड F1 F1 ना करके मैं ऐसा वाला कोई बैकग्राउंड लेता हूँ जो कि मैंने C वाले वेरिएबल में, यहाँ बैकग्राउंड वाले वेरिएबल में ऐड किया हुआ है एक कलर, तो यहाँ कुछ आपको इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो है ना ये सर्च बॉक्स उसको थोड़ा लेफ्ट में लेफ्ट से घिसकाना है, तो उसके लिए हम लोग मार्जिन दे देते हैं सिंपली मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल और इसका विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल। तो मैं यहाँ 300 किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिखने में एकदम अच्छा लग रहा है। और यहाँ मुझे जो है पैडिंग थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो पैडिंग बढ़ाने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 रखने, टॉप और बॉटम से 10 और लेफ्ट और राइट से 20। और मुझे लगता है और करना चाहिए तो एक काम करते हैं यहाँ पर 25 कर देते हैं, तो यहाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे करना है इन सभी आइकॉन्स को बनाना है, ठीक है। आइकॉन्स बनाने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा उस राइट वाले डिव में और यह राइट वाले डिव को करना है फिर से एक्सेस और यहाँ पे इसको सिंपली करेंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे सिंपली फ्लेक्स वाला क्लास डाल दूँ। इसके अंदर में ना मैं ये इसके अंदर में कुछ इस तरीके से 5 डिव बनाऊँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो डिव है मैं उसको सिंपली कॉपी नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग के सामने ही लिखता हूँ सारा का सारा कोड डिव और यहाँ पे इसको क्लास देंगे फिर से फ्लेक्स और यहाँ एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे होवर नाम का, आप अपने हिसाब से कोई अलग क्लास दे सकते हैं। और यहाँ तो मुझे आइकॉन डालना, ठीक है। आइकॉन डालने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो मेरा आइकॉन इसको एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट, तो हम लोग का ये पेस्ट था उसको ओके करके, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास जितना भी होवर है ना यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक स्पैन देते हैं, स्पैन में क्लास देते हैं आइकॉन टेक्स्ट करके, आइकॉन टेक्स्ट और यहाँ पे रखते हैं डैशबोर्ड DASHBORD डैशबोर्ड और यहाँ मैं सिंपली इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब मुझे थोड़ा कलर थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं लिखते हैं हो, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं डॉट एक्टिव ACTIV एक्टिव और इसका लिखेंगे कलर रखेंगे varsity जो कि मैंने एक वेरिएबल में ऐड करके रखा हुआ है और यहाँ डॉट आइकॉन टेक्स्ट को एक मार्जिन देंगे, डॉट आइकॉन टेक्स्ट मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, 20 ना देखिए मैं यहाँ पे 8 पिक्सल करता हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे है ना डॉट होवर को एक्सेस करना होगा जो कि हम लोग का मेन क्लास है। डॉट होवर को एक्सेस करके यहाँ पे सिंपली पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल का, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल और यहाँ पे एक बैकग्राउंड देते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या होगा यही वाला सेम बैकग्राउंड। एक काम करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजिशन देते हैं, ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड इज और यहाँ पे डॉट होवर को ना होवर इफेक्ट डालेंगे, तो डॉट होवर और यहाँ पे होवर और यहाँ पे बैकग्राउंड और कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड वाला कलर,
अब मैं यहाँ पे करूँ, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो पैडिंग है ना, इसका पैडिंग कम कर देते हैं। पैडिंग कम करने के लिए सिंपली जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल का और लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल का। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आ रहा है, पर मुझे थोड़ा इसका पैडिंग और बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 20 रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कर्सर डालते हैं, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पोजीशन दूंगा रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो यहाँ देखिए यूज़र, यहाँ पे देखिए जो ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन कुछ इस तरीके से मुझे दिखाना है, ठीक है। उसके लिए मुझे इसको पोजीशन रिलेटिव करना होगा, तो मैं यहाँ पे सबको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। इन सभी चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट करते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहें इसको किए कॉपी, यहाँ पे सिंपली पेस्ट, यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से मुझे 4-5 बार मिल रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको जितना रखना है आप रख लीजिएगा, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कम से कम 5 रखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सब में मैं होवर जो क्लास है ना हटा देते हैं, सॉरी होवर नहीं, एक्टिव क्लास। तो यहाँ सब में एक काम करते हैं, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ ये कि यहाँ ना मैं इसको इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं एक्टिव क्लास हटा देता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर देते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए ये सब ब्लैक हो गया, ठीक है। ब्लैक हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे ऊपर और यहाँ जो है मैं काम करता हूँ, मैं कलर को वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आइकॉन टेक्स्ट, यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं आइकॉन टेक्स्ट और यहाँ कलर डालते हैं एक बार 42 42 42 करके। तो यहाँ पे जो है कलर चेंज नहीं हुआ, आइकॉन टेक्स्ट, दोस्तों यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं करा, ठीक है। कलर चेंज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप जो है खुद से कलर चेंज कर लीजिएगा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास व्लास डाल के, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको ये दिखाना है कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है। तो मैं काम करता हूँ, जितना भी आइकॉन सब मैं आइकॉन चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक आइकॉन है यूज़र का, तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे सिंपली इसको किए पेस्ट और यहाँ एक नेक्स्ट आइकॉन है, ब्रश नहीं, नीचे गए, यहाँ पे कमेंट करके एक आइकॉन है, ठीक है। सिंपली इसको किए कॉपी और यहाँ पे जाकर फिर से पेस्ट और यहाँ से सारा का सारा आइकॉन मैं ले लेता हूँ, बेल आइकॉन। यहाँ जो है इसको फिर से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और नीचे एक और आइकॉन मुझे मिलेगा सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स का ये आइकॉन सिंपली कॉपी करना है और इस जगह पे जाके करना है पेस्ट। रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा जो टेक्स्ट है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे काम करते हैं वो यही कि बाय डिफॉल्ट जो है ना हम लोग का जो ये आइकॉन सब उसमें एक लाइन हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लाइन हाइट लिखते हैं 0, लाइन हाइट 0। अभी अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे सारा का सारा जो आइटम एकदम अच्छे से अलाइन हो गया, देखिए कुछ इस तरीके से। और सबका जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं यूज़र्स और यहाँ पे लिखते हैं कमेंट। काम करते हैं उसको कॉपी करते हैं और इस जगह पे पेस्ट और यहाँ पे सिंपली इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं बेल और यहाँ लिखते हैं सेटिंग्स और यहाँ जो आइकॉन का साइज़ है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब आइकॉन नहीं, मतलब उसका जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज़ और यहाँ मैं रखता हूँ 14 पिक्सल। तो यहाँ देखिए ये कुछ ज़्यादा ही छोटा गया, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए सिंपली थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, यहाँ पे 15 पिक्सल। तो यहाँ अभी ये देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। अब मुझे बनाना है ये वाला चीज़, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे मैंने इस पर होवर किया तो ये नीचे वाला चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली ये आपको जिस जगह पे बनाना है वहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सिंपली लिखिए। आप एक काम करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ डाल देता हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं रेड कलर का जो है, तो रेड कलर का डालने के लिए सिंपली लिखिए स्पैन और स्पैन में क्लास डाल देते हैं हम लोग अलर्ट नाम का और इसके अंदर कोई एक वैल्यू पास कर देते हो। तो मैं काम करते हैं 9+1 डाल देता हूँ वैल्यू और सिंपली यहाँ पे अलर्ट को करना है एक्सेस डॉट अलर्ट ALERT अलर्ट और इसका एक विड्थ रखूँगा मैं 10 पिक्सल, हाइट रखूँगा 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड होगा रेड, कलर वाइट
और यहाँ पे इसका पोजीशन होगा एब्सोल्यूट, टॉप होगा जीरो और यहाँ पे राइट होगा जीरो। देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पेज इसको ओके करके यहाँ इस पेज में देखिए, यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मुझे आउटपुट मिल रहा है। यहाँ आउटपुट जो बहुत छोटा है तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैं 15 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे रिफ्रेश होती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं काम करता हूँ फॉन्ट साइज़ जो इसका थोड़ा और छोटा कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ करते हैं 11 पिक्सल का। तो यहाँ अभी ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, काम करते हैं यहाँ पे विड्थ और हाइट 17 पिक्सल कर देते हैं, अभी देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा टॉप में देंगे माइनस हाँ टॉप में जीरो रहने देते हैं और राइट में कर देते हैं -7 पिक्सल। -7 ना करके मैं सिंपली 7 पिक्सल करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, कि अगर आपको नीचे करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि टॉप से घिसका दीजिए 7 पिक्सल, वो खुद ब खुद जो है नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको जहाँ जहाँ ये नंबर देना है, मतलब ये जो रेड कलर का अलर्ट है ना, आपको जहाँ जहाँ देना है आपको सिंपली जाइए उस डिप में जाकर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब मैं बनाऊँगा ये वाला, तो ये वाला बनाने के लिए सिंपली जाएंगे नीचे और यहाँ पे एक डिव बनाएंगे हम लोग एब्सोल्यूट नाम का, डिव क्लास एब्सोल्यूट, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा एब्सोल्यूट को access.absolute एब्सोल्यूट, इसका एक विड्थ देंगे। तो विड्थ मैं देता हूँ 300 पिक्सल का और यहाँ पे मैं इसका एक पैडिंग देता हूँ फिलहाल के लिए 20 पिक्सल का, और यहाँ जो है विड्थ पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट, और यहाँ पे इसको करना है पोजीशन को एब्सोल्यूट इसका, और टॉप से मैं फिलहाल के लिए घिसका रहा हूँ उसको 300 पिक्सल। और अगर मैं करूँ यहाँ पे जाके रिफ्रेश तो आप देखिएगा यहाँ पे ही थोड़ा कुछ इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो है राइट में इसको थोड़ा राइट करना है राइट, और यहाँ से जो है मुझे इसको करना है 100 पिक्सल। तो यहाँ कुछ ज़्यादा इधर आ गया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं 80 पिक्सल, और इसका जो टॉप है इसको करते हैं 980 पिक्सल। तो यहाँ देखिए कुछ इस जगह पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट है ना, राइट को करते हैं 50 पिक्सल, तो यहाँ राइट जो है मैं जीरो कर दूँ तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे इतना में ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सिंपली इसको थोड़ा एक बॉर्डर रेडियस देंगे, तो मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ सिंपली 10 पिक्सल का, और सिंपली जाके करना है इसको रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है। अब मुझे बनाना है इसका जो रेक्टेंगुलर मार्क है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्क बनाने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा रेक्टेंगुलर नहीं, वो ट्रेंगुलर मार्क है, और यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट, फिर डॉट डॉट वाला जो होता है ना सेमी कॉलन वाला उसको करना है, फिर यहाँ पे लिखना है बिफोर, और यहाँ पे सिंपली आपको कुछ CSS प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो CSS प्रॉपर्टी पे पहला है विड्थ, और इसका विड्थ रखना है आपको 0, और इसका हाइट रखना है 0, पोजिशन रखना है एब्सोल्यूट, और यहाँ पे रखना है बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट 10 पिक्सल, सॉलिड वाइट 10 पिक्सल सॉलिड वाइट, और यहाँ एक नेक्स्ट और बॉर्डर रखना है बॉर्डर बॉटम 10 पिक्सल सॉलिड वाइट। दोस्तों उसको टॉप से घिसकाते हैं 10 पिक्सल, तो यहाँ जो है टॉप से मैं काम करता हूँ उसको -10 पिक्सल घिसकाते हैं टॉप से -10 पिक्सल। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक ट्राइंगुलर मार्क दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको उसको करना है ट्रांसफॉर्म TRANSFORM ट्रांसफॉर्म, और इसको रोटेट करना है 45 डिग्री, और इसको रखना है राइट में घिसकाना है 0। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट में घिसका है ये कुछ इस जगह से आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको राइट में 10 पिक्सल ना करके मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये थोड़ा खुद ब खुद इधर घिसक गया। ठीक है, यहाँ पे इसको 20 से 25 करते हैं, और यहाँ 25 से इसको 30। ये दोस्तों हम लोग का जो काम एकदम 100% हो गया है, मतलब इस जगह का। ठीक है, अब मुझे इसका जो पैडिंग है उसको कर देना है फिर से 0, क्योंकि मैंने पैडिंग इसलिए लिया ताकि मैं इस पर ये देख सकूँ कि मेरा जो ये डिप है वो कहाँ तक आ रहा है। अब मुझे सिंपली जाना है नीचे और यहाँ पे इसमें सारा का सारा जो आइटम है उसको डाल देना है। तो ये हम लोग का डिप ये रहा है एब्सोल्यूट वाला डिप, और यहाँ पे सिंपली मैं रखूँगा डिप, और यहाँ पर मैं क्लास डालूँगा पहला फ्लेक्स,
और इसके अंदर मैं सिंपली डालूंगा आइकॉन और अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं ये आइकॉन सिलेक्ट करता हूँ, ये जो हमारे पास था, और यहाँ पे सिंपली करते हैं इसको पेस्ट। तो यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ जो इसका एक्टिव हटा देते हैं एक्टिव, और यहाँ मैं इसको एक पैडिंग दूंगा, ठीक है। पैडिंग देने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, PADDING पैडिंग, और ऊपर जाकर पैडिंग को एक्सेस करेंगे CSS में PADDING पैडिंग, और उसको एक पैडिंग देंगे 20 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको जितना बार इसको डालना है ना, सिंपली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करते रहना और पेस्ट करते रहना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं, और ये जो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप चाहते तो इसका पैडिंग जो है कमा बढ़ा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, टॉप और बॉटम से जो पैडिंग देता हूँ 7 पिक्सल का, और लेफ्ट और राइट से जो पैडिंग देता हूँ मैं 20 पिक्सल का। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है दिखने में। इसको 10 करते हैं। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ, मैं ना इस आइकॉन सबको और टेक्स्ट सबको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। जब आपको मन करे तो आप जो खुद ब खुद इन सभी चीज़ों को चेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये कि यहाँ जो है, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपली करना है आपको पैडिंग में जाना है, फिर से एक्सेस करना है पैडिंग को। तो यहाँ पे .PADDING पैडिंग, और यहाँ पे एक होवर इफेक्ट लगाना है, और यहाँ पे होवर के लिए सिंपली लिखिए बॉर्डर लेफ्ट 4 पिक्सल सॉलिड var c, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं हम लोग, TRAN ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड इज। दोस्तों अब आप लोगों को जो ये वाला डिव आपको जहाँ जहाँ डालना है, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है नीचे और इस जगह पे आपको करना है इसको कॉपी। तो ये हम लोग का एब्सोल्यूट वाला जो डिव था उसको मैंने सिंपली यहाँ पे कर लिया कॉपी, और जाकर मैं फिर से कर दूंगा इसको सेटिंग वाले में पेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और डिव चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर अभी मैं करूँ रिफ्रेश तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी में ऐसा वाला इफेक्ट डाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं डाल रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाते हैं पोजीशन को जो एब्सोल्यूट जो है ना, इसको बाय डिफॉल्ट करते हैं डिस्प्ले नन करने से वो गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए पहले मैंने CDN jQuery का ऐड करके रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट भी रेडी है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लिखते हैं डॉट, और यहाँ पे मैं रखूँगा होवर डॉट माउस इंटर माउस ENTR माउस इंटर। तो वैसे ही माउस इंटर होगा तो यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे हम लोग, और इसमें लोग करना क्या, हम लोग को सबसे पहले ना जो हम लोग का ये होवर वाला डिव है, जैसे कि ये वाला आपके पास डिव है, कहाँ गया, ये वाला डिव है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग के पास एक चिल्ड्रेन है एब्सोल्यूट करके, हम लोग को इसको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए सिंपली रखेंगे हम लोग जाएंगे इस जगह पे, और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट चिल्ड्रेन, यहाँ पर सिंपली से पास कर देंगे एब्सोल्यूट डॉट स्लाइड डाउन, और यहाँ पे 100। और अभी अगर मैं करूँ जाकर यहाँ पे रिफ्रेश तो आप देखिए यहाँ पे मैजिक, मैंने जैसे यहाँ पे होवर किया, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँ तो एक इफेक्ट साथ ये एकदम शो हो रहा है, जैसे इस पर क्लिक कराऊँ तो ये एकदम होवर के साथ एकदम गायब हो, मतलब आ रहा है, ठीक है। अब मुझे सेम काम क्या करना है, इसको हाइड कराना है। तो हाइड करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे लिखेंगे क्लिक, और यहाँ पे स्लाइड अप का जगह मैं कर देता हूँ स्लाइड इस तरीके से। अब मैं सिंपली जैसे इस पर किया क्लिक होवर, तो देखिए यहाँ मुझे ये शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस पर करूँ क्लिक तो ये गायब हो गया, और जैसे मैं सिंपली यहाँ पे होवर करता हूँ तो ये आ जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए एकदम दिख रहा है। जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो एकदम काम अच्छे से कर रहा है, जैसे इस पर करूँ क्लिक तो ये गायब हो गया। दोस्तों देखा आपने हम लोगों ने कितनी आसानी से जो है टॉप नेविगेशन बार बना लिया। अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको जो इसका नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।